अक्षत माथुर ईसीई फाइनल ईयर। Please God, please just give me one chance. बस एक बार मौका चाहिए to express what I feel for him, the way I think of him. एक मौका। Where am I? Who are you? Who? I'm the angel. I've been sent by God to fulfill your wish. जो तुम सुबह से मांग रही हो? You don't believe me? See this. Okay, I get that. तो तुम मेरी विश पूरी करने आई हो, right? क्या तुम मुझे बिल गेट्स की औलाद बना सकते हो? Or maybe like give me $50 billion or maybe the most beautiful girl of the world? Please? You become beautiful by the soul and rich by the heart. Anyways, I'm here to grant your wish, to express your feelings to the guy you love. So, मैं तुमको उसके सपनों में भेज दूंगी. तुम्हें उसको जो बोलना है तुम बोलो और जब वो उठेगा उसको वो याद रहेगा. So, this will help you to reach his dreams. I'm here to fulfill your desire to express your feelings to the guy. But the only thing is, you can stay there for 5 minutes and you'll go in his dream. Bye-bye, I gotta go. Bye. उसने मुझे भगवान माना था. क्या तुम मुझे अपना मान पाओगे? जिस नज़र से वो मुझे देखता है, अगर उस नज़र से तुम मुझे देख पाओगे, बिक जाओगे तुम्हारे इश्क में, वकालत भी न करा पाओगे. उसने मुझे भगवान माना था. क्या तुम मुझे अपना मान पाओगे? इस भीड़ में, इस हलचल में एक रिश्ते नामक दिल का धागा बांध पाओगे? जिस दिन मेरे आँखों के नीचे ये काले गड्ढे तुम्हारी चिंता बन जाए, मेरे सर दर्द की खामोशी की दवा तुम्हारी परवाह बन जाए. समझ जाना तुम मेरे आगोश में आने लगे हो, पर क्या तुम मुझे सच में चाहने लगे हो? उसने मुझे भगवान माना था. क्या तुम मुझे अपना मान पाओगे? मुझे अगर तुमसे प्रेम है तो मैं मीरा बन जाऊंगी. राधा बनने की इच्छाएं प्रेमिका नहीं करती,
तेरा हाथ पकड़ने के लिए जहां से लड़ जाऊंगी। फेमिनिज्म वाली लड़कियां क्या लड़का पसंद नहीं करती? तुम्हें छूने की इच्छा मेरी नियत पर सवाल है। क्या मोहब्बत करने वालों का इतना बुरा हाल है कि आशिकी बदनाम हो गई है और शादी पवित्रता सूंघ कर गुमनाम हो गई है? क्या हवाएं बताती हैं तुम्हें कि प्यार हो गया है, या मूवियां समझाती हैं कि अनकहा सा इकरार हो गया है? किस बेख्याली में तुम जी रहे हो, किस बेहोशी को तुम प्यार कह रहे हो? तुम्हारा प्यार एक अफेक्शन है, जिसे कहते अट्रैक्शन है। इसे इश्क कहकर कांड ना करो, क्योंकि जब इश्क होगा तो ना हवाएं होंगी ना मैं, बस मेरी मुस्कान तुम्हारी दवाई होगी। मेरी आंखें ना हो तो तन्हाई होगी, जो तुम्हारा आंसू मेरी आंख से ना गिरा जाने मन, तो ये मेरी बेवफाई होगी। उसने मुझे भगवान माना था, क्या तुम मुझे अपना मान पाओगे? जिस नजर से वो मुझे देखता है, अगर उस नजर से तुम मुझे देख पाओगे, बिक जाओगे तुम्हारे इश्क में, वकालत भी ना करा पाओगे। उसने मुझे भगवान माना था, क्या तुम मुझे अपना मान पाओगे? इस भीड़ में, इस हलचल में एक रिश्ते नामक दिल का धागा बांध पाओगे? जिस दिन मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे तुम्हारी चिंता बन जाए, जिस दिन मेरे सर दर्द की खामोशी की दवा तुम्हारी परवाह बन जाए, समझ जाना तुम मेरे आगोश में आने लगे हो। पर क्या क्या तुम मुझे सच में चाहने लगे हो? उसने मुझे भगवान माना था, क्या तुम मुझे अपना मान पाओगे? मुझे अगर तुमसे प्रेम है तो मैं मीरा बन जाऊंगी। राधा बनने की इच्छाएं प्रेमिका नहीं करती। तेरा हाथ पकड़ने के लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी। फेमिनिज्म वाली लड़कियां का लड़का पसंद नहीं करती। तुम्हें छूने की इच्छा मेरी नियत पर सवाल है। क्या मोहब्बत करने वालों का इतना बुरा हाल है कि आशिकी बदनाम हो गई है, शादी पवित्रता सूंघ कर गुमनाम हो गई है? क्या हवाएं बताती हैं तुम्हें कि प्यार हो गया है, या मूवियां समझाती हैं कि अनकहा सा इकरार हो गया है? किस बेहोशी को तुम प्यार कह रहे हो, कौन सी बेख्याली में ख्याल ले रहे हो? तुम्हारा प्यार एक अफेक्शन है, जिसे कहते अट्रैक्शन है। इसे इश्क कहकर कांड ना करो, क्योंकि जब इश्क होगा तो ना हवाएं होंगी ना मैं, सिर्फ मेरी मुस्कान तुम्हारी दवाई होगी। मेरी आंखें ना हो तो तन्हाई होगी, जो तुम्हारा आंसू मेरी आंख से ना गिरा जाने मन, तो ये मेरी बेवफाई होगी। थैंक यू। थैंक यू। कोटा है ना तू? क्यों, पढ़ तो तू कर भी सकता था। कोटा ऐसा क्या करेगा? जी भैया, कोटा है तो माहौल है और सब स्टूडेंट है तो कंपटीशन भी रहेगा, और अगर कंपटीशन है तो फोकस भी रहेगा, और फिर शायद सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और नहीं भी तो 12th तो करनी है मुझे, और नुकसान कोई नहीं है वैसे भी। नुकसान है भाई, नुकसान है। तुझे पता है यहाँ पे बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों से सालों तक कोटा नहीं निकलता। और क्या करता है कोटा? तुम्हें दुनिया से काट के रख देता है। फिर किसकी किससे सरकार बनी, किसकी किससे शादी हुई, IPL किसने जीता, ये मैटर नहीं रखता। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। फिर क्या बचता है? सिर्फ IIT, जो तुम दिन में करते रहते हो IIT IIT। और जब इतनी छोटी सी उम्र में जब किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो ना, तो फिर सिर्फ 2 चीजें होती हैं। मिल गई तो सुकून है, और नहीं मिली तो होती है जेलसी, चुभन, सैड आउट, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी अपने आप को लूजर समझता है। अभी भले कितने कितने भी अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए ना, IIT तो नहीं है ना। अब हाँ या ना बोलते यार। जी भैया, यहाँ है ना प्रॉब्लम टीचर से नहीं है, इस गलत सब्जेक्ट में नहीं है कि भूल ही गया। जिस गलत का फैक्ट है उसका कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक के नाम से जितने रूल नहीं है उससे कहीं ज्यादा उसकी एक्सेप्शन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑप्शन होने आगे क्यों नहीं चाहिए।
या हो गई गलती उसके बाद आप पढ़ाएंगे थॉमसन मॉडल। जैसे थॉमसन मॉडल कंप्लीट करना बोलेंगे ये तो गलत है, ये तो गलत है, फिर बोलेंगे फिर पढ़ाएंगे रदर नो मॉडल। जैसे पूरा हो गया बोलेंगे ये भी गलत है। अरे जब सारे के सारे गलत है तो क्यों बना रहे हो, पहले बनाओ बैठो और बना लो। लेकिन नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे थॉमसन मॉडल, फोर्स मॉडल और पूरा सही एक भी नहीं। मैं बता रहा हूं यहां पे एक्सेप्शन नाम की एक्सेप्शन 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 है सिर्फ, और एक्सेप्शन के नाम पे सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक्सक्यूज क्या एक्सक्यूज, इनके पास सारे आंसर देने की थ्योरी है ही नहीं, क्योंकि थ्योरी को वो देते थे आइंस्टाइन न्यूटन इन जैसे लोग जिनके कोई बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन यहां पे तो नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे। और इस एक्सेप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसका तो मुझे एक्सेप्शन है करती है यहां पे ना। हर एटम अपनी मर्जी से एक्ट ऑपरेट करता है, सबकी ऑक्सीडेशन बदलती रहती है, माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री प्लस सेवन। अब यहाँ तक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, तुम्हारे खुद के एलिमेंट तुम्हारे खुद के सड़े हैं तो क्यों बना नहीं किया इतनी बड़ी कमिटी। नेक्स्ट सी को कुछ नेक्स्ट सी को जीरो से लेकर आने तक फिक्स कर दिए, लेकिन इनके एलिमेंट अभी तक फिक्स नहीं हुए। हर साल कुछ नया बना हुआ है। फिर इस मामले में कौन निकला है, 113 नंबर जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अरे सारा इससे बेटर संस्कृत के मंत्र बैठना ज्यादा आसान होता है। उसके बाद में तीन लॉ में आधी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इनके लिए हर क्वेश्चन के लिए एक नया रूल, हर क्वेश्चन के लिए नया रूल। तो मान लो ना फिजिक्स और मैथ्स जैसे लॉजिकल नहीं हो, नहीं हो। अच्छा एक बात बता, अगर एप्पल हो गया हवा में रहने वाला क्या आएगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, लेकिन वो फिजिक्स में गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा, इससे के इंजन आ जाएगा और कब पड़ा रेजोनेंस लग जाएगा, इंडेक्ट इफेक्ट लग जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे ना कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन है ग्रीन एप्पल, उसके बाद में क्रिमसन रेड, रेड नहीं क्रिमसन रेड, उसके बाद पिंक नहीं और पिंक। इसीलिए केमिस्ट्री का लड़कियों की अच्छी होती है। उसके बाद में कुछ भी करा रहे हैं, फिल्म टेस्ट, ग्राउंडिंग टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, कैलकुलेशन, कुछ भी करा रहे हैं। और क्यों सूम में सारा बंडा, क्यों जे रूम में। उसके बाद में एटॉमिक साइंस का ट्रेंड, आइसोलेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड। अरे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब आप जवाब जवाब होते कुछ प्रेडिक्ट कर सको। यहां पे तो कुछ भी हो रहा है कल तो हिंदुस्तान की जैसे, उसको कैसे बोलोगे ट्रेंड, कैसे बोलोगे। और मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री ना सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, क्या नहीं करना है सब्जेक्ट के लिए रूट बनाए। असाइनमेंट फ्रेंड तीन तीन टीचर बदलती है और यहां तक की पढ़ने की स्टडी भी बदलती, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था घंटा। भैया ये बुक ही नहीं आता, फिर मैं आपके पास लेके आके ये तो बिल्कुल ठीक समझा तूने कि प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं, प्रॉब्लम सब्जेक्ट में है ना, है कि नहीं। अरे हाँ यार तो बोल। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है और तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम हर साल हर बच्चे के साथ में होती है। कोटा में आईटी की तैयारी करने से पहले यहाँ पे रहने की तैयारी करनी पड़ती है। अगर तुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है तो वो पानी पी, अगर तुझसे मैश में खाना नहीं खाया जा रहा है तो वही खा, और अगर तुझसे लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा है तो बैठ जा और चैलेंज ले कि मैं उठूंगा नहीं, प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, लेसन्स के वीडियोस देखूंगा, पुराने पेपर्स पढ़ूंगा, सो जाऊंगा मर जाऊंगा लेकिन उठूंगा नहीं। तो क्या किया तूने, अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर डायरेक्ट ईगो से कनेक्टेड है। ईगो के नुकसान बहुत है लेकिन एक फायदा है, चीजें ड्यूरेबल लगने लगती हैं। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना है, कितने दिन, 21 दिन, कितने दिन, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है और कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे चिंगम की प्रॉब्लम थी, दो डब्बे एक दिन में छूटी ही ना, घर गर्लफ्रेंड फैकल्टी ड्राइवर ड्राइवर की लुगाई सबके आगे डिंडोर पीट दिया, यहां तक कि देने वाले को 2000 रुपए दे दिए कि चिंगम खाने नहीं देना है। दुनिया के आगे अगर इतना डिंडोरा पीट दोगे तो दुनिया तोरी ना खाने देगी, तब तू भी कुछ आया ना बोल दे यार। जी भैया। अक्षत माथुरी ECE फाइनल ईयर रैप बैटल राउंड वन, लेट्स गो।
I know not okay, cause it's something muscle stuff makes you to take. But girl, you gotta know that the things I'm doing just to make you smile and laugh. Now I think before I speak, cause I know what much really mean to me. I don't care about destiny, think what I've just pampered me. Hey, how are you? Drop it this again, you know, inbox queue. Good to reply, but there's nothing new. Feels like the grass and none to do. In the morning, I'll disappear in a second or two. Now, can you wait for this long now? It has been a long time.